Assalamualaikum. Hi, hello. Welcome to Hal Behal. Viewers, आज Hal Behal आपके लिए लेके आया है कैसी तेरी खुदगर्जी पार्ट 5 का प्रोमो टीजर रिव्यू. अब जो है हमें एक बहुत अच्छी स्टोरी मिल चुकी है डिस्कस करने के लिए इस ड्रामे के बारे में. जैसे कि आपने देखा होगा ना कि स्टेशन से जब गाड़ी निकलती है तो आहिस्ता आहिस्ता अपने सारे पैसेंजर्स को लेकर एक सफर की तरफ निकलती है. तो ये ड्रामा भी अभी ऑलमोस्ट आप यही समझ लीजिए कि ये अब ड्रामा भी एक अच्छी स्टोरी की तरफ निकल चुका है. इस ड्रामे में आप देखेंगे कि आपको एक बहुत अच्छा मैसेज मिल चुका है कि जो एक एजुकेटेड फैमिली होती है, मैं यहाँ पे पैसे की बात नहीं कर रहा, जो एक अच्छी एजुकेटेड फैमिली होती है, चाहे वो गरीब हो या वो मिडिल क्लास हो, वो जैसे भी हो ना, वो अपने डिसीजंस बहुत अच्छे तरीके से लेती है. जैसे कि महक के अब्बा जी ने जो है बहुत अच्छा डिसीजन लिया, ठीक है, कि यार पहले से ही निकाह कर दो, इसका जो मसला है जैसा है वो सब सॉल्व हो जाएगा. मतलब वो बात की जड़ तक जाकर पहुंच चुके. लेकिन उसके बरहक्स जो है ना, जैसे अभी आपने इस ड्रामे में देखा है कि शमशेर को और उसके जो अब्बा जी हैं, अलग इस बहुत पैसे वाले हैं, ठीक है, अपनी उम्र गुजार चुके हैं, लेकिन उनका जो है वो डिसिप्लिन, वो तरीका जो है वो गलत है, ठीक है, वो अनएजुकेटेड लोगों की तरफ इशारा करती है. तो क्या है, दोनों जो है, दोनों के फैसले गलत होते हैं. बाप क्या करता है, बाप जो है वो अपने पैसों के जोर पे जो है इनको कहीं ना कहीं से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, अपने बेटे को जो है वो इस लड़की से दूर करने की कोशिश करता है, सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे के जोर पे, मसले की जड़ को नहीं पकड़ता. एपिसोड नंबर 5 में आप क्या देखेंगे, ये जो शमशेर है ना, जिसका कैरेक्टर दानिश तैमूर कर रहा है, तो इसमें अब आप देखेंगे कि इनकी फैमिली में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी, डिप्रेशन होगा, इसमें जो लड़ाई झगड़े होंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे ये लोग, आप बेटे जो होंगे वो एक दूसरे के फैसलों से बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे. इसकी वजह क्या है, मैं फिर आपको बता देता हूँ कि जब एक फैमिली में डिसिप्लिन नहीं होता ना, आप उस फैमिली में पैसा ले आइए, आप उसमें स्टेटस लाइए, कुछ भी आप लेके आइए, जब तक उस फैमिली में डिसिप्लिन नहीं होता, नॉलेज नहीं होता, एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करने के जो है वो तौर तरीके नहीं सिखाए जाते, तो फैमिलीज में यही प्रॉब्लम आती है. तो यार इस ड्रामे में जो मुझे बहुत एक अच्छी बात लगी ना, वो यही मैसेज है कि जब एक नॉलेज रखने वाला इंसान, एक इलम रखने वाला इंसान जब कोई फैसला करता है ना, तो फिर उसमें जो है वो उसकी और उसके पूरे खानदान की बेहतरी होती है. ठीक है यार, थैंक यू सो मच वीडियोस देखने के लिए, लाइक शेयर करने के लिए, और अगर आप सब्सक्राइब भी करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वो जो बेल आइकन कहते हैं ना, उससे ये कि यार आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरी अगली वीडियो का. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अपना बहुत ख्याल रखिए.